afternoon of class 11 बेटा 11th क्लास अपन ने तीन टॉपिक इसमें समूचे में तीन टॉपिक अपन ने पढ़े थे। पहली चीज ये हमने आपको एक्सप्लेन की थी कि बेटा समूचे क्या होता है, फिर मैंने ये आपको बताया था समूचे को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। दो चीज हो गई, समूचे को कितनी विधियों से प्रदर्शित करते हैं, तो एक कौन सी रोस्टर विधि और दूसरी कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि क्या होती है, इसमें अवयवों को एज इट इज दिखाएं, वो होती है रोस्टर विधि। और समुच्चय निर्माण का मतलब इसमें हम अवयवों को एक परिभाषा के रूप में लिखे, वो होती है समुच्चय निर्माण। फिर तीसरे टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, तीसरा टॉपिक बेटा अपना था समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के आप समुच्चय के प्रकार में बेटा पहला मैंने एक्सप्लेन भी किया था, एक बार दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला क्या होता है बेटा। पहला होता है रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान ना हो क्या कहलाता है, मतलब ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्त समुच्चय को हमेशा हम किस में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण में। इसको रोस्टर विधि में नहीं लिख सकते, उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जब अवयव ही नहीं रहेंगे तो हम रिक्त उसमें रोस्टर विधि में अवयव कहां से लाए, तो इसे क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को इस तरह जैसे मैंने उदाहरण दिया एक्स का एक्स ब्लॉक टू क्या कहेंगे, क्या होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी प्राकृत संख्या होती है। और यहां लिख दिया 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, मतलब एक्स का मान 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, क्या 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होगी, नहीं होती, क्योंकि 1 होती है उसके बाद में 2 फिर 3 फिर 4, तो ये बेटा क्या हो गया 5 यानी कि देखकर एक समुच्चय का मतलब समझ गए, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान ना हो वो क्या होता है रिक्त समुच्चय। बेटा ध्यान दें 10वीं तक आपने क्या किया नो प्रॉब्लम, बट 11वीं 12वीं में केवल कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो गई तो बेटा पीछे मुड़ के आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन रटने की कोशिश ना करें, जो भी मैं बेसिक बताऊं उसको ध्यान से देखें और उसी बेसिक के बेस पर सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इस पे रहें कि जो क्वेश्चन एज इट इज है वैसे ही आएंगे तो बेटा नहीं आएंगे, हम क्वेश्चन तो ऑन स्पॉट चेंज होंगे, डिजिट कुछ बुक में कुछ और होगा, एग्जाम में कुछ और मिलेंगे, तो आपको किस पे कंसंट्रेट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक अगर क्लियर है कहीं दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश आप ना करें, बेसिक क्या है उस पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान ना हो उसे क्या बोलेंगे बेटा, रिक्त समुच्चय। समझ में आ गया, अब दूसरे की बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे बेटा। सेकंड पॉइंट परिमित समुच्चय या इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। इंग्लिश वर्ड इसी को बेटा फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या जिसके अवयवों को हम गिन सके, वो सारे क्या होते हैं परिमित समुच्चय। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
निश्चित होती है परमिट समुच्चय और अवयव की संख्या निश्चित होने का मतलब इसे ये ले दिया एक दो तीन चार पांच अवयव संख्या कितनी होगी पांच निश्चित है जैसे दूसरा ये दे दें मान लो उदाहरण में लिख दिया एक दो तीन चार कहां तक लिख दिया 100 तो इसमें भी इसको भी तो हम गिन सकते हैं अवयव की संख्या निश्चित है तो इन ऐसे समुच्चयों को क्या बोलेंगे परिमित समुच्चय मतलब वह समुच्चय जिसके अवयव को हम गिन सके उसे हम क्या बोलते हैं बेटा परिमित समुच्चय समझ गए अब बात करते हैं तीसरे तीसरा नंबर बेटा हमारे पास क्या होता है उसे हम बोलते हैं अपरिमित इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मतलब सिंपल सी बात है परिमित है तो परिमित का अपोजिट होगा अपरिमित तो परिभाषा यही से बन जाएगी वह समुच्चय जो जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो उसे क्या बोलेंगे हम अपरिमित समुच्चय मतलब जिसके अवयव को हम ना ये ना बता सके कि इसमें 100 है 200 है 300 है 400 इसमें फिक्स ना हो वो क्या होंगे अपरिमित समुच्चय तो परिभाषा बेटा आप कैसे लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित होती है अपर में समुच्चय क्या रहता है तो जैसे हमने ये लिख दिया एक दो तीन चार पांच एंड वन कहां तक अनंत तक चले जाए इसमें लास्ट का अवयव पता ना हो पता नहीं कहां तक है ये सारे क्या हो गए बेटा इसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो हम गिन ना सके उस सारे समुच्चय क्या होते हैं बेटा अपरिमित समुच्चय होते हैं तो तीन टॉपिक क्लियर हो गए ठीक है अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे तो देखिए जरा तीसरे नंबर पे हम अगर बात करेंगे तो तीसरा समुच्चय क्या होता है देखो जरा तीसरा होता है समान समुच्चय यानी कि बेटा तो ये जो हम बताएंगे आप समुच्चय क्या है समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं और समुच्चय के प्रकार इन तीन बेसिक के बेस पर हम एक्सरसाइज 1.1 1.2 और 1.3 तीन एक्सरसाइज ठीक है तो बेसिक के लिए ये अपना वीडियो नंबर कौन सा थर्ड जाएगा तो इसी पे बात करते हैं समान समुच्चय जो बेटा क्या होता है यदि ए और बी दो दो समुच्चय दिए गए और समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है तो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय है मतलब जो अवयव ए में हो वही बी में हो तो उन
समान समूचे, जैसे समूह। उदाहरण दिया, ए का मान दे दिया एक दो तीन और चार, समूचे बी का मान दे दिया दो चार एक और तीन। तो देखिए चार बड़े उसमें चार बड़े उसमें। अब सिक्वेंस में बचाओ कौन कहां पर लिखा हुआ है, जो अवयव ए में प्रेजेंट है वही अवयव बी में है, तो अगर ऐसा है तो उनको हम क्या बोलेंगे कि समूचे ए और बी दोनों क्या है समान। एक चीज और मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, अगर आपने ये ब्रेसेस नहीं लगाए जो साइन लगा रखे हैं तो बेटा ये समूचे पर नहीं है, आपका क्वेश्चन नहीं करेगा। समूचे को प्रदर्शित करना है ये ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है, आप ब्रेसेस लगाओगे तभी समूचे होगा, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों का, ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ये छोटी छोटी चीजें आपको मार्क्स मिलाती है, आप चाहे तो ग्रेड नंबर ले लें और ना चाहे तो एक छोटी छोटी चीजों पर करवा दे। तो ये अगर ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो बेटा समूचे नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथे सॉरी ये आपका चौथा पॉइंट है, पहला रिक्त, दूसरा निश्चित परिमित, तीसरा अपरिमित, चौथा समान और पांचवा लास्ट बात करें वो क्या होता है समतुल्य समूचे। समतुल्य समूचे इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसके बेटा, इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है बेटा पहले समझ लें, यदि ए और बी दो समूचे हैं और अवयवों की संख्या दोनों में क्या हो समान हो तो वो क्या होंगे समतुल्य, केवल अवयवों की संख्या समान हो, अवयव अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अवयव की केवल संख्या समान है तो उसे क्या बोलेंगे हम समतुल्य समुच्चय। तो ये देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि ए और बी दो समुच्चय दिए गए हैं और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बी समुच्चय बी में समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के समान है तो समुच्चय ए व बी समतुल्य समुच्चय होंगे। जैसे a क्या दे दिया 1 2 3 4, b क्या दे दिया 5 6 7 8, कितने अवयव इसमें चार, कितने इसमें चार अवयव की संख्या समान है तो ए समतुल्य क्या होगा। ओके, तो ये बता क्या थे समुच्चय के प्रकार। तो तीन चीजें हमने पढ़ी अभी तक, समुच्चय क्या है, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय के प्रकार क्या है, समुच्चय क्या है, समुच्चय के प्रकार क्या है, प्रदर्शित करते हैं। इन तीन के आधार पर हमारी 1.1 1.2 1.3 कंप्लीट होगी और 1.45 इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या संक्रियाएं होती हैं उनमें हम बाद में बात करेंगे, पहले आप एक्सरसाइज पे हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज में पहुंचे बेटा 1.1 एक्सरसाइज में पहुंचे बेटा 1.1 देखिए जरा एक्सरसाइज है 1.1 समझे बड़ा, आपसे क्या है कि कुछ टॉपिक दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि कौन से समुच्चय हैं या नहीं है, आपको केवल यस या नो में आंसर देना है, अगर समुच्चय है तो लिख देना यस, समुच्चय नहीं है तो क्या लिख देना है। ठीक है, तो देखिए
तरह मैं कुछ टॉपिक लिख पा रहा हूँ और एक्सरसाइज में एंटर करते हैं आज। देखो किस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज वन पॉइंट। आपको बताना है कि निम्न में से पहला क्वेश्चन है, क्या बताना है, निम्न में से कौन से समुच्चय है। अब इसके लिए समुच्चय की परिभाषा पे भी डिपेंड है। मैंने क्या बताया था, समुच्चय क्या होता है, अवयव या संख्याओं का सुपरिभाषित संगठन क्या होता है समुच्चय। सुपरिभाषित का मतलब भी मैंने बताया था कि जैसे हम बोलते हैं पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, किसी को धक्का देना किसी को फोर्स करना क्या होता है, बल होता है। आप कहीं भी किसी भी से पूछेंगे, क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, क्या किसी अदर कंट्री में, सभी के विचार ओपिनियन यही होगी। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, जहां विचार ना बदले सभी के विचार सेम हो वो क्या होता है सुपरिभाषित, जहां विचार बदल जाए वो सुपरिभाषित नहीं है, मतलब वो भी समुच्चय भी नहीं हुआ। जैसे पहला पार्ट दे दिया कि किसी भी ईयर के जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का संगठन, तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का संगठन, तो कौन कौन से होगा, एक तो जनवरी, दूसरी जून और तीसरी क्या होगी जुलाई, इसके अलावा और कोई है क्या, जैसे और कोई मंथ प्रारंभ होते हैं क्या, नहीं, तो ये हुआ। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग टू आप किसी से पूछोगे अगर उसको मंथ का नॉलेज है तो ये बताएगा ना। तो यहाँ पे सभी के विचार क्या होंगे, सेम होंगे, सो इट इज सेट, ये क्या है बेटा समुच्चय है, यानी कि ये क्या है बेटा समुच्चय, जहां सुपरिभाषित विचार सभी के समान आ जाए वो समुच्चय होगा। जैसे दूसरा है क्रय भारत के क्रय कलेक्शन ऑफ 10, भारत के 10 सबसे विद्वान राइटर, क्या वो जैसे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली विद्वान, प्रतिभाशाली एक ही बात होती है तो इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रहा तो एक ही बात, प्रतिभाशाली विद्वान, तो आप देखो इसमें अब यहां पे विचार देखो, मैं तो बोल रहा हूं सबसे विद्वान तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, ठीक है, रामायण ये सब रचा, ठीक है, लेकिन क्या सभी के विचार सेम होंगे, कई अदर लोग हैं उनकी नजरों में कि तुलसीदास कबीरदास इनकी कोई वैल्यू नहीं है, फालतू के काल्पनिक कथाएं लिख के चले गए। तो यहां पे सभी के विचार क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए। तो अगर अलग अलग हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, विचार चेंज हुआ, सुपरिभाषित नहीं हुआ, मतलब ये बेटा जैसे ये है दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें देखो समुच्चय क्या बनेगा, तो यहां पे विचार सभी के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, कोई कबीरदास को मानेगा तो कोई तुलसीदास को तो कोई रहीम को, यहां पे विचार बदल गए, राइटर के नाम अलग अलग होंगे, तो इसका मतलब ये विचार समुच्चय नहीं। तो मेरी समझ से अब आप कर लेंगे, जैसे तीसरी बात विश्व के सबसे प्यारे बल्लेबाजों का संग्रह, भाई हम तो बोलेंगे हमारा सचिन विराट और ये धोनी ये सारे सब सब श्रेष्ठ है, पाकिस्तान वाले तो कभी ना माने, ऑस्ट्रेलिया वाले कभी ना माने, वो तो अपने अपने, तो यहाँ पे विचार क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो तीसरा भी बेटा क्या है समुच्चय नहीं है। चौथे की बात करें
आपकी बच्चों का बच्चा के सभी बालकों का समूह है। तो 11th क्लास से सपोज कीजिए एडमिशन 22वें 23वें 24वें जो भी है 50 हुए, वो तो एडमिशन फिक्स हो गए ना। आप कोई भी आके उनका संग्रह करेगा वो तो वही निकलेंगे। तो यहाँ पे विचार सभी के क्या हो गए, सेम हो गए, सुपरिभाषित हो गया। तो ये क्या हो गया समझ, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपको पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं, ठीक है, ओके। अब बाकी के जो क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, जो भी वर्क में दे रहा हूँ कॉपी पे मेंटेन करते हुए चलें, ऐसा नहीं कि करना नहीं, करते ही चलें, क्योंकि जो अपनी ऑनलाइन क्लास में हो जाएगा वो ऑफलाइन जब भी स्टडी हो सकता है कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच, वी डिस्कस इन सेकेंड क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू सो मच। पहुंच गया।